सो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम. वीडियो सब ऑन कर लेना. अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 विदाउट चेंजिंग हिज इनिशियल स्पीड व्हिच इज इक्वल्स टू 54. व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय टू द बॉल. इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बोलो भाई. इंपल्स क्या होता है? F into delta t. इंपल्स जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी चेंज इन टाइम. या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकता हूँ. कोई डाउट? चलो अब क्या कर रहा है ये बैट्समैन है, वो बॉल को मार रहा है. सो लेट्स से दिस इज माय बॉल. बॉल कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है. कितनी स्पीड से आ रहा है बॉल? बॉल की स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, राइट. उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? बैट वीडियो ऑन कर लेना जो भी है. हाँ कि... मारा तो ये बॉल कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ? दिस बॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल डिफ्लेक्टेड कहाँ गया? हाँ डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड. मतलब कुछ 45 से डिफ्लेक्ट किया, मतलब ऐसा डिफ्लेक्ट किया होगा. आ रहा है समझ में? ये एंगल 45 होगा. हाँ ना, जल्दी बोलो. और स्पीड अभी भी 15 मीटर पर सेकंड रही होगी, राइट. इसका मास एम ले लेते हैं, मास एम ले लेते हैं. एम दिया हुआ है वैसे भी. चलो अब क्या करना है, इंपल्स फाइंड करना है. तो इंपल्स फाइंड करने का सबसे इजी तरीका चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं. चेंज इन मोमेंटम मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये करना पड़ेगा. तो पहले मैं पी इनिशियल लिख लेता हूँ. पी इनिशियल को क्या लिख सकते हैं? पी इनिशियल कितना होगा? पी इनिशियल कितना होगा जल्दी बोलो भाई. पी इनिशियल कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी इन आई कैप. सो आई कैन राइट एम यू आई कैप, जिसको मैं बोल सकता हूँ मास कितना दे रखा है, 0.15 इंटू 15 आई कैप. कितना आएगा ये? 225 को दो पॉइंट कट लो, 2.25. कोई डाउट? नो सर. नो सर. सो ये हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम, 2.25 आई कैप केजी मीटर पर सेकंड. पी फाइनल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वेक्टर है, राइट. तो वेक्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आई कैप जी कैप. तो अगर ये 45 है सो मेरा ये कंपोनेंट एक बनेगा, ये कंपोनेंट एक बनेगा. ये हो जाएगा m into v into cos 45. ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? sin 45. m v sin 45, समझ में आ रहा है? yes sir. right. so मेरा p final कितना हो जाएगा? m into v करने से मुझे पता है कितना आता है, 2.25 आता है. 2.25. पहले भी तो किया हुआ है क्योंकि velocity भी सेम रहने वाली है. so 2.25 into cos 45 या फिर i हाँ cos 45. cos 45 क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा. I cap plus 2.25 1/√2 J cap. कोई डाउट? नो सर. आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर. ये तुम्हारा फाइनल मोमेंटम होगा. हमें क्या चाहिए भाई? हमको चाहिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P, which is equals to P final minus P initial. Right? So P final minus P initial कितना होगा? P final minus P initial करोगे क्या करेंगे? PF मतलब initial momentum direction change कर दो. Yes 2.25. अरे direction क्यों change कर रहे हो तुम? direct ही minus कर लो ना इसमें से vector. हाँ direct. Okay so II cap वाला जो है वो minus हो जाएगा. So आ जाएगा 2.25√2 minus 2.25 I cap. Okay plus 2.25/√2 J cap. ओके माइनस कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इनिशियली जे कैप में कोई मोमेंटम नहीं था. समझ में आया? अरे हाँ ना बोलते जाओ. 2.25 कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 1 - √2/√2 आई कैप प्लस 2.25/√2 जे कैप. क्या कॉमन निकल जाएगा? 2.25 कैप बाय रूट टू कॉमन निकाल ले अगर, या फिर कुछ भी कॉमन मत निकालो चलेगा. ये समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. ये तुम्हारा क्या आया? चेंज इन मोमेंटम आया. ओके अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन फिर इजी हो जाए. तो जल्दी से बताओ 1 - √2 कितना होगा? रूट टू की वैल्यू होती है 1.41. 1.41 करोगे माइनस 1 करोगे कितना आएगा?
0.41 डिवाइडेड बाय 1.41 कितना आएगा ये? हेलो एम आई ऑडिबल? यस 0.41 डिवाइडेड बाय 1.41 ये फाइल कितना आ रहा है? 0.29 इनटू 2.25 कर लो, इसको तो मल्टीप्लाई कर लो किससे? 2.25 से, तो ये जो पूरा टर्म है आ जाएगा 0.65। हाँ या ना? यस सर। माइनस 0.65 आई कैप प्लस ये करके बताओ 2.25 डिवाइडेड बाय 1.41 ये आएगा 1.59 प्लस 1.59 जी कैप, कोई डाउट भाई? नो सर। ये तुम्हारा डेल्टा पी आया, अब क्या चाहिए तुम्हें? एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड चाहिए डेल्टा पी का। डेल्टा पी मतलब बेसिकली तुम्हारा क्या हुआ, ये इम्पल्स ही हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ क्या लिखा है मैंने, 0.65 और 1.59, तो 0.65 का स्क्वायर माइनस माइनस वैसे भी कट होने वाला है प्लस 1.59 का स्क्वायर, कोई डाउट? कर लोगे आगे? यस सर। तुम्हारा इम्पल्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, समझ में आ गया? कोई डाउट, किसी को कुछ डाउट भाई इसमें? हेलो? नो सर। हेलो, और क्या डाउट है? क्वेश्चंस दिए उसमें कुछ डाउट? अब क्वेश्चंस जो दिए उसमें कोई डाउट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, या कि ये ही नहीं है? सर नहीं है डाउट। डाउट नहीं है, बाकी सबने कर लिए है? यस। चलो सर, ओके नेक्स्ट करते हैं। अब फ्रिक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो जल्दी से सब लोग, फ्रिक्शन फोर्स। सर आपको सर्कुलर मोशन में टेंशन वाला नहीं बताया था? कौन सा? सर आपने बोला था सर्कुलर मोशन होगा तभी टेंशन होगा, तो वो कुछ बोला था आपने ऐसा? क्या बोला था एग्जैक्ट, कुछ बता सकते हो मुझे, याद करवा सकते हो? एग्जैक्ट तो आपने भी नहीं बोला था। अच्छा कोई बात नहीं, वो करेंगे आगे। वैसे सर्कुलर मोशन की जो तुम बात करते हो टेंशन वाला, वो करेंगे अभी। ओके यस। स्मिथ बट आरव रंगवानी रिमूव कर लो तुम लोगों को। आदित्य कोरडे, आदर्श आर्यन, तुम लोगों को बेटा समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, वरना रीजाइन कर लो। तुम दोनों में से कोई भी चीज नहीं कर रहे हो। चलो फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट करें। हाँ सर। okay? चलो कोई बता सकता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कब लगता है, कैसे लगता है? आ रहा हूँ, तुम्हारा होमवर्क बाकी है। हाँ सर वो हैंडल नहीं हो रहा था। अब ट्राई किया तुमने? कब ट्राई किया था लास्ट? सर वो उस दिन बोला था तब किया था। मैंने बोला था ना बाद में कि एक बार वापस ट्राई करना है। हाँ सर अभी करते देता हूँ, हो जाएगा सर। ओके नेक्स्ट क्लास तक अगर नहीं किया तो फिर क्लास में बैठने नहीं मिलेगा। ओके मनन चौहान। यस सर। बेटा लेटर लिख के भेजू तुमको कि वीडियो ऑन रखना है ऐसा? सर मैंने आपको बताया ना कि मेरे फोन की बैटरी लो है। तो मैंने बोला था ना कि रीजेंड करके रखना है। अरे सर वो अभी भी नेटवर्क की वजह से क्लास लीव हो गया, फिर वापस रीजेंड करना भूल गया मैं। अच्छा। कर देता हूँ। ओके कर दो कर दो। आयुष। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, वीडियो बंद था अभी। ओके ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है सबको पता है? यस सर। क्या होता है बताओ जल्दी से। सर फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स आर द फोर्स रिटार्डिंग आर द रिटार्डिंग फोर्स व्हिच ओनली एक्ट्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द कांटेक्ट विद ईच अदर। ओके क्यों लगता है फ्रिक्शन फोर्स लगने का रीजन क्या है? कांटेक्ट फोर्स जब
अच्छा सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस कर दिया था, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है नॉर्मल फोर्स जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने ये बता दिया था कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आती है तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं या फिर एक ही फोर्स लगते हैं जिसके हम दो कंपोनेंट अलग अलग पड़ते हैं। फोर्स जो लग रहा है उसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, पर उसके दो कंपोनेंट हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब जब भी कॉन्टेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स तो पक्का लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है किस लिए, बिकॉज सरफेस जो होती है वो इररेगुलर होती है, इररेगुलर सरफेसेस जो होती है वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग, जब एक बार इंटरलॉकिंग हो गई उसके बाद क्या होगा, जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहेगा तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ओके तो जब कोई दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आती है तो सबसे पहले जो एक तो सरफेस होती है कभी भी स्मूथ नहीं होती, स्मूथ नहीं होगी इसलिए उसके अंदर रफनेस होगी, रफनेस है तो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाएगी, इंटरलॉक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहे तो बिकॉज ऑफ दैट इंटरलॉकिंग, अगर ये आगे मूव करना चाहे तो ये पीछे वाला उसको क्या करेगा, रोकने का ट्राई करेगा, साथ ही साथ ऊपर वाला क्या करेगा, उसको साथ में ले जाने का ट्राई करेगा। सो ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है वो मेन रीजन होता है फ्रिक्शन का। समझ में आ रहा है सर? ये चीज आप जो समझा रहे हो वो समझ तो आ रही है, लेकिन मेरा इसमें एक ये डाउट है कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए इररेगुलर सरफेस होना जरूरी है सर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स खाली मतलब काफी कंसीक्वेंसेस पर डिपेंड करती है सर, तो जरूरी है कि इररेगुलर सरफेस ही हो, मतलब तुम बताओ नॉर्मली ग्रेविटी के थ्रू मैं अगर बात करूँ तो ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं है ना क्या? एकदम स्मूथ सरफेस तो पॉसिबल नहीं। मान लो तुमने एकदम स्मूथ सरफेस बना दी तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा क्या? यस सर, जीरो हो जाएगा सर, पर वो तो आइडियल बॉडी होता है ना। हाँ सर, आइडियल होगा। चलो बेटा देखो वो थोड़ा सा हाई लेवल पे है, चला जाएगा अगर हम लोग डिस्कस करें तो, अभी कर लेते हैं वरना ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं कि जब भी बेटा अगर मान लो रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लगता है, ये हमारा बेसिक आइडिया होता है, बट अगर किसी ने एकदम ही सरफेस को स्मूथ कर दिया, ये दोनों सरफेस इतनी स्मूथ है कि माइक्रोस्कोपिक से देखोगे तो भी बहुत ही स्मूथनेस है उसमें, राइट? तो प्रैक्टिकली अब अगर सोचे, सॉरी थियोरेटिकली अगर सोचे तो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? बहुत कम, जीरो ही नहीं है ना। फ्रिक्शन का रीजन हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन का रीजन है रफनेस, बट अगर प्रैक्टिकली देखे कि भाई रफनेस बिल्कुल नहीं है, मैंने एकदम आइडियल बॉडी अचीव कर ली, फ्रिक्शन जीरो मान लिया, ओके अब मैंने इसको इसके साथ कांटेक्ट में ला दिया, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी आ गई, तो अब प्रॉब्लम क्या होगा बेटा, तो अब बिकॉज बिल्कुल भी इररेगुलरिटी नहीं है, ये दोनों सर्फेसिस जो है उन दोनों के बीच में एयर पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, हाँ या ना? बिकॉज पहले जब इररेगुलरिटी थी तो जो कांटेक्ट हो रहा था उसके बीच में एयर पार्टिकल्स चले जाते थे, पर जब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो एयर पार्टिकल्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं, मतलब जब भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आ रही है ना तो उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाता है, समझ में आया? जिसको तुम लोग शायद बाद में पढ़ोगे, कोहेसिव फोर्सेस पढ़ा हुआ कभी केमिस्ट्री में, पढ़ा होगा शायद सर, कौन सा adhesive and cohesive forces, ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा हुआ है किसी ने? नहीं पढ़ा है किसी? हाँ सर, लास्ट ईयर पढ़ा था। लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत पढ़ा था। ओके तो बेटा ये जो फोर्सेस होते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बेसिकली अब क्या हो जाते हैं, अगर बिल्कुल भी मैंने रफनेस हटा दी तो अपने आप ये दोनों पार्टिकल इतने ज्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं कि अब इसको मूव करना और मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते कि मान लो तुम लोग दो ग्लास सरफेस को चिपका दिया मतलब जस्ट कांटेक्ट में लाया, और अब उस ग्लास को तुम दूसरे ग्लास पे अगर रफ कर मतलब रोल करने जाओगे तो अब रोल नहीं होगा, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? जब yes, कोई sir. दो स्मूथ सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाती है तब क्या हो जाता है, और ज्यादा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ गया? यस, कोई डाउट? तो एक तरह से हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा बोलते हैं कि फ्रिक्शन का रीजन जो है वो इररेगुलरिटीज है, ओके? और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सही भी है, और मैक्रोस्कोपिक लेवल की अगर बात करें
तो अगर फ्रिक्शन को हटाना है तो सरफेस को स्मूथ बनाना है, पर बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेसेस में क्या प्रॉब्लम आ गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल में कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं, उसको हम दो टाइप के मतलब कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स कह सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स बेसिकली ये मूव होना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर, समझ गया। नो डाउट, पर हम लोग हमेशा किसकी बात करेंगे, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसकी बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, और तब तक हम लोग यही समझेंगे कि बहुत ही स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन जीरो, इजीली मूव हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। पुट आउट। चलो बड़े आगे। ओके चलो, सो अभी फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया कि क्या होता है, इररेगुलरिटी की वजह से होता है, ये सब समझ में आ गया? कोई डाउट? कुछ लिखने की जरूरत है? लिखने की जरूरत है या खुद से रनिंग नोट्स बना लोगे या मैं लिखवा दूं? रनिंग नोट्स बना लेंगे सर। पक्का? यस सर। कोई प्रॉब्लम? यस। चलो, फ्रिक्शन मतलब दो टाइप के होते हैं, कौन से कौन से दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, ये मैंने शायद पहले भी पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में। कौन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक एंड काइनेटिक। बोलो वापस। स्टैटिक एंड काइनेटिक सर। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, दूसरे का याद नहीं आ रहा है सर। रोलिंग। चलो, सो हम लोग जनरली जो डिस्कस करते हैं वो तीन टाइप के फ्रिक्शन हम लोग बोलते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन याद रखना है। स्लाइडिंग बोल सकते हैं पर जनरली हर एक बुक्स के अंदर काइनेटिक लिखा होगा, ओके, इसी को स्लाइडिंग भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके, साथ साथ बेटा रनिंग नोट्स लिखते जाना, कुछ कुछ है तो मैं वो बता दूंगा स्पेसिफिकली। और तीसरा टाइप है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की आप जनरली हम लोग बात कम करेंगे, जो भी बात करेंगे वो इन दोनों पे डिस्कशन होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? गुड आउट। फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है, क्लियर? yes, चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन एक पूछते हैं। लेट्स से एक मेरे पास डस्टर है, ओके, ये डस्टर इस तरह से रखा हुआ है और सर्फेसिस मान लो हर जगह पे सेम है, ऐसा मत समझना कि एक रफ सर्फेस एक बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई। डस्टर की चारों सर्फेस इक्वली रफ है और नीचे जो टेबल है वो भी इक्वली रफ है, ओके? अब मैंने इस डस्टर को एक बार ऐसा रखा, एक बार ऐसा रखा, अब दोनों केस के अंदर क्या होगा, क्या फ्रिक्शन सेम लगेगा डिफरेंट लगेगा, क्या फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करेगा या डिपेंड नहीं करेगा, जल्दी से बताओ सर। उसके एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करेगा सर। यस सर। ओके, और कोई और कुछ डाउट? सेम फ्रिक्शन लगेगा, अलग होगा सर? अलग होगा सर, अलग ही होगा, क्योंकि अलग होगा तो किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा? भी अलग लेटा हुआ है ना उसमें ज्यादा होगा, लेटा हुआ उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। यस सर। बेटा जिसको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज चैट बॉक्स में मत पूछो, प्लीज सबके सामने पूछो, ओके? जिसको कुछ भी पूछना है प्लीज क्वेश्चन क्लास में डायरेक्टली पूछो, नो प्रॉब्लम, ओके? किसने पूछा अभी, ये मैसेज किसने किया हुआ है बेटा? मैंने। क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सिद्धार्थ। यस सिद्धार्थ, बोलो क्या है क्वेश्चन, सबको समझ में आया ना? की वजह से जो रिटार्डेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता ना, मतलब केसेस में वैरी करेगा हमेशा। देखो फ्रिक्शन की वजह से जो रिटार्डेशन होता है वो डिपेंड करेगा कौन सी सरफेस है उस पे, राइट? बट अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ तो उसके लिए फिर फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, तो हम लोग थोड़ी देर बाद वो डिस्कस करेंगे, ओके? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग हो, पर एक बार ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया उसके बाद चाहे वो कितनी भी स्पीड से ट्रैवल करे या कुछ भी कर ले उसमें फ्रिक्शन फोर्स इक्वल लगेगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलो पहले ये बता दो इन दोनों में कौन से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, किसमें फ्रिक्शन फोर्स कम, या दोनों में? सर जिसमें मतलब डस्टर ऐसे हॉरिजॉन्टल है सर। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी और फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ऐसा तुम लोग बोल रहे हो, ओके। बट जब मैंने ये प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल किया इसका, तो मैंने देखा
कि दोनों केस में सेम फ्रिक्शन लग रहा है. ओके और बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रैक्टिकली मैंने चेक किया तो देखा कि इस पे जितना फ्रिक्शन लगेगा उतना ही फ्रिक्शन इस पे भी लगेगा. ओके फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो कोई बता सकता है लॉजिकल लगा के कि ऐसा क्यों हुआ? एनीवन? जल्दी बोलो ऐसा क्यों हुआ सर? सर सारी साइड की सर वो रफनेस सेम होगी. रफनेस तो सेम ही है पता ही है, वो तो पहले ही बताया था मैंने. सर शायद एरिया दोनों का सेम होगा. एरिया सेम नहीं है ना, वो तो दिख रहा है एरिया का अलग अलग है. क्या यार ऐसा थोड़ी चलेगा. मैं बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है, मतलब एरिया बड़ा भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक बताओ, रीजन बताओ. सर अभी हमने डिस्कस किया कि मतलब रफनेस कांस्टेंट मतलब सेम है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा. तो पर कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, तो तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी. तो अगर एक में इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रही है एक में कम हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक में फ्रिक्शन ज्यादा आया, मतलब फ्रिक्शन एक में ज्यादा और एक में कम क्यों नहीं हो रहा है? सर क्योंकि फोर्स में छोटे से एरिया में ज्यादा मास है. हां सर प्रेशर की वजह से. उससे क्या होगा? अरे सर जो इंटरलॉकिंग है उसको अनवाइंड करने में और ज्यादा टाइम और ज्यादा फोर्स लगेगा ना, उसके पर ज्यादा प्रेशर है. भले ही अगर बहुत सारे इंटरलॉकिंग उसमें कम प्रेशर लग रहा है तो वो आसानी से हो जाएगा, पर ज्यादा एरिया की वजह से इसमें इसमें सर गैस्टर क्रिएट हो रहा है. आप ही बताओ आप क्या होगा, मैं कंफ्यूज हूं. क्या बोल रहे हो तुम? कंफ्यूज हो रहे हो? ओके वेरी गुड. हां सर मैंने बोला तो सही कि क्या होगा, क्या होगा वो तो बता दिया ना कि सेम फ्रिक्शन लगेगा, वो तो मैंने बता दिया. हां सर वो तो मुझे पता लगेगा, वो सोच रहे सर शायद एरिया मतलब एरिया डिवाइड कर देगा, मतलब कितने एरिया में इतना मास हो जाएगा इतना. देखो 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 चलो मैं बता देता हूं, सुन लो मैं बता देता हूं सुन लो. फ्रिक्शन जो है वो दो चीज पे डिपेंड करेगा. किस किस पे? एक तो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग पे, जहां पे इंटरलॉकिंग ज्यादा होनी चाहिए. अगर इंटरलॉकिंग ज्यादा है तो क्या होगा? इंटरलॉकिंग ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, बट नेचुरल है. हाँ या ना? यस सर. नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग तुम्हारी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगने वाला है. कोई डाउट? नो सर. दूसरा डिपेंड किस पे करेगा? तो दूसरा डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग पे. किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग. समझ में आ रहा है? यस सर. ओके मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे कम इंटरलॉकिंग हो रही है, नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कम है, पर अगर देखा जाए तो हर एक इंटरलॉकिंग पे जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा होगा, उसका जो वेट है वो एक पे ज्यादा लगने वाला है. यहाँ पे एरिया कम है इसकी वजह से. Yes, sir. आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कम है बट सबकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग ज्यादा है बट प्रेशर उस पे लग रहा है वो कम लग रहा है, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी. तो एक जगह पे कम इंटरलॉकिंग बट स्ट्रेंथ है, दूसरी जगह पे ज्यादा इंटरलॉकिंग बट वीक है. तो इन सबको अगर कंसिडर करे तो हम बोल सकते हैं कि चाहे कैसे भी रख लो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, हमेशा सेम लग जाएगा. समझ में आया? मतलब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता. कोई डाउट? नो. समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर. आगे बढ़ ले. यस सर. ओके चलो कुछ लिखवा देता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्या करें बताओ? सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. सर स्क्रीनशॉट ले लोगे? लिखवा दू? ओके वेट अ मिनट. सर लिख दिया खुद जो लिखना था. हां सर अच्छे बच्चे हो बेटा, बाकी सब थोड़ी ना ऐसे तुम्हारे जैसे. सनी जो पूरा सामने वही लिखा है वही टीप दिया. हां टीप दिया, पर एग्जाम में यही टीप होगे तो कुछ नहीं मिलने वाला ना तुम्हें. सर एग्जाम में डस्टर वाला एग्जांपल भी कौन पूछता? हां तो मैं वही तो बोल रहा हूं, जब एग्जाम आएगी तब क्या करोगे. चलो मैं लिखवा देता हूँ, दिख रहा है तुम्हें? सर एक मिनट सर, एक मिनट सर. स्क्रीन दिख रही है? यस. जल्दी से टेप दो, लिखना है तो लिख लो, दो मिनट दे रहा हूँ. ओके
और जो एंड में जो लिखा है वो लिखा है व्हेन वी सी, ओके यहाँ पे लिखा है व्हेन वी सी ऑन माइक्रोस्कोप, व्हेन वी सी इट ऑन माइक्रोस्कोप, समझ में आ गया? बोर्ड पे कुछ दिख रहा है तुमको? यहाँ पे देखो मैंने सीन इट लिखा, राइट, व्हेन वी सीन इट ऑन माइक्रोस्कोप। हाँ नोट्स बना लो सर, नोट्स नहीं लिखवाई इसलिए मेरे रिजल्ट कम आए, तो ये सब ना हो इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। अरे जस्ट बोल रहा हूँ ना बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा नाम कहाँ बोला सर? अकेले फिजिक्स से थोड़ी JEE में टॉप कर जाएंगे, तो फिजिक्स नहीं आएगा तो कुछ होगा भी नहीं ना सर। अकेला बोला मैं, और मेरा क्या, मैं वही बोल रहा हूँ ना तुम्हें कि अकेले फिजिक्स से कुछ नहीं होगा, और फिजिक्स नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो सर कोई मतलब अकेले आपको ही ब्लेम नहीं कर पाएगा ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मैं आपकी साइड ले रहा हूँ सर, आप मेरे को बोल रहे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। लिख ले जल्दी से सर। हो गया, वेरी गुड, ओके। तो ये जो नोट्स है बेटा क्लास 8th की है, राइट, तुम्हें पता चल ही गया होगा, वैसे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। समझ में आ रहा है सारा? हाँ सर, यस सर, ओके। हाँ क्या बोलो तनिष्क? सर मैं ऐसा कह रहा था कि ये जो आप पढ़ा रहे हो इसमें क्या है ना कि बहुत डीप चले जा रहा है सर, मतलब काफी चीजें, ये जो अभी आपने समझाया डस्टर, ये वाला पूरा एग्जांपल समझाया, इसमें क्या हो रहा है ना सर कि ऐसा हो रहा है कि मैं पूरा ब्रीफली लिख दूं कि क्या क्या हो रहा है इसमें, मतलब किस तरह का फिनोमेना लग। कोई बात नहीं ना, तो तुम अपने हिसाब से लिख लो, नोट्स बना लो, नो इश्यू, ओके, यस, हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। पर एग्जाम में जब आए फ्रिक्शन तुम्हें डिफाइन करने को बोले और फिर तुम ब्रीफली लिखोगे, फिर बोर्ड में रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, राइट। सो बेसिकली ये सबके लिए है, अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटर रहेगा। चलो हो गया यहाँ तक, ओके, मैग्नेट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा एक और चीज, रफनेस, ओके, लास्ट जो लाइन है वो देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज, मोर द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट द मोर रफ आर द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मोर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें? ओके, दूसरी चीज बेटा एक और, हाँ बोलो सर, ये रबर, मतलब जो भी चीज रबर से बनी होती है वो तो मतलब शेप चेंज हो सकता है, फिर भी हाँ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। देखो बेटा ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, मैंने लिखवाना बाकी है वो लिखवाता हूँ, यहाँ तक लिख लिया सबने? हाँ सर, वो सर वो तीन तरह के जो फ्रिक्शन थे सर उसका डेफिनेशन, हाँ लिखवाता हूँ इतना लिख लिया तो आगे बढ़े। तो रबर एडहेसिव से होता है ना, क्या बोल रहे हो बेटा? रबर का जो हाई फ्रिक्शन है वो एडहेसिव, वो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, पहले ये लिख लो, लिख लिया, हटा दो इसको अब। हाँ सर, नहीं सर, चलो ओके, मैं काम करता हूँ इसी के ऊपर लिख लेता हूँ, ओके, जो नेक्स्ट लिखना है वो भी लिखना चालू कर लो। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन के सेकंड पॉइंट तक लिख लिया तो फिर आप वहां तक व्हाइट स्क्रीन डाल के कर सकते हो, व्हाइट स्क्रीन डाल के कर सकता हूँ, ओके यहाँ तक लिख लिया, राइट, अभी तो है, एक मिनट रुको। टाइम, चलो बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, लिख लो, चलो पहले इतना लिख लो, मेरा पास है टास्क मैनेजर।
लिख लिया? यस सर। ओके, इसके बाद लिखो फ्रिक्शन फोर्स is independent of area of contact. Okay, friction force is independent of area of contact. पर ये किसके लिए है? only for hard and dry surfaces. Okay, ये जो मैंने बताया वो किसके लिए हम लोग करेंगे? ओनली फॉर हार्ड एंड ड्राई सर्फेस, मतलब वेट एंड सॉफ्ट सर्फेस होगी. फॉर वेट एंड सॉफ्ट सर्फेस फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. समझ में आ गया सर? हाँ बोलो. For wet and soft surface, friction force depends on area of contact. Okay, so जब wet surfaces हो या फिर soft surface हो तो friction force depend करता है area of contact पे. मतलब कि जब tyres की बात करेंगे तो tyre जितने ज्यादा broad होंगे उतना ज्यादा friction force create कर सकते हैं. आया समझ में? Because tyres comes under soft surface. Good out. लिखे हैं यहाँ तक? चलो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे चलते हैं. उसमें पहला हम लोगों ने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? रेस्ट पे होता है जो जब रेस्ट पे होता है तब. ओके लिख लो जल्दी जल्दी बेटा, हो सके उतना अभी नोट्स जो बना रहा हूँ वही लिख लो. तनिष्क बेटा लिखने में शायद तुम्हें आलस हो रहा है इसलिए तुम नहीं लिख रहे हो, राइट? अरे सर स्क्रीन को बड़ा कर रहा था. सर क्या कर रहा था? स्क्रीन को बड़ा कर. चलो लिख लो इतना. मानो मेहता आ रहा है समझ में सब? यस सर. अरे तुम्हारे स्टैंडर्ड में 10th में जब वो कौन निहारिका थी और ये सब कहाँ है? कॉन्सेप्ट्स खुल लिया या कोई दूसरी जगह? कुछ पता नहीं. नहीं सर, वो लोग उस रेगुलर प्रोग्राम में है. रेगुलर निहारिका. ओके 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 लिख लिया. श्रीनिवास भट्ट वीडियो भी ऑन नहीं है, रेज हैंड भी नहीं किया है. शिवम पटेल. हाँ सर मैं यही हूँ, एक मिनट. अच्छा ऑफलाइन जब भी बेटा स्टार्ट होगा, मान लो ट्यूसडे से अगर तुम लोगों को बुलाया जाता है ओके ऑफलाइन क्लासेस में, तो फिजिक्स की नोटबुक पक्का लेके आना. जितने अभी अगर मान लो चलो तुमने दो नोटबुक भर दी है या फिर होमवर्क नोटबुक अलग बनाई है, चैप्टर नोट्स की अलग नोटबुक बनाई है, एक्सरसाइज की अलग नोटबुक बनाई है, जो भी हो जितना भी मैं फिजिक्स में क्लास में करवा रहा हूँ वो सब मुझे देखना है. सो नोटबुक कंपलसरी लेके आना. ओके यस ओके. चलो लिख लिया बेटा. तो ना लेके आए? हाँ मंडे को मेरा क्लास नहीं होगा ना, टीटीएस में मेरा क्लास होता है. मंडे को अगर आया तो बोर्ड का मत लेके आना, लेके आना जेई का लेके आना सब. हाँ बोलो. थ्री डेज होगा तो फिर टीटीएस में ही होगा मोस्टली. ओके बोर्ड के क्लासेस ही ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे पहले. सर वीडियो ऑन रखो सक्षम. हाँ बोलो. सर आपने बोला था ना एचसी वर्मा खरीदनी है. हाँ तो उसके लिए सेपरेट नोटबुक. तुम्हारी मर्जी बेटा, वो कुछ मैंडेटरी नहीं है ओके. पर वो उसकी प्रैक्टिस करनी है. जिसको जेई को टारगेट करना है, बोर्ड में 90-95 प्लस लाने हैं, एचसी वर्मा बेटर है ओके.
बोर्ड में अगर 80-85 लाने 86-87 मतलब 90 से कम लाने बोर्ड में तो अच्छे और मनी करोगे तो चलेगा। तुम्हारा टारगेट अगर हायर पे है तो अच्छे वर्मा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओके। और जी वाले सर आपको पक्का बोलेंगे ही बोलेंगे ओके। तो जस्ट मैं पहले से हाँ, से कल बोला था उन्होंने कि एच सी वर्मा रिलीज है हाँ। बोल दिया प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। यस यस एच सी वर्मा तो कंपलसरी करना ही है। चलो बड़े भाई आगे लिख लिया था नीचे का पूरा। यस ओके ऊपर वाला भी लिख लिया फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। Yes. हटा दो इसको। Yes, sir, हो गया सर, हो गया। ओके ओके चलो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है ओके और लेट से अभी मैंने उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जस्ट ये ऑब्जेक्ट है और वो वहां पे रखा हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक? ये ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अभी इस कंडीशन पे? क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस कंडीशन पे? हाँ ना जल्दी बोलो। यस सर लग रहा होगा। सर लग रहा होगा थोड़ा सा सोच के बताओ। ये ऑब्जेक्ट है मैंने इसको रख दिया एक सरफेस पे इस सरफेस के साथ ये इंटरलॉकिंग अच्छी तरह से हो चुकी है राइट। अभी ये दोनों कॉन्टेक्ट में है तो एक फोर्स तो पक्का लग रहा होगा कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल। ये तो पक्का लग रहा होगा एक दूसरे पे लगा रहे होंगे राइट। चलो फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं वो पूछ रहा हूं मैं। हाँ सर लग रहा हूं। लग रहा होगा क्यों लग रहा होगा बताओ? सर इंटरलॉक हो चुके इसलिए। इंटरलॉक हो चुके इसलिए फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा क्या? अच्छा चलो तुम बोल रहे हो कि लग रहा है बताओ कहाँ लग रहा है? बताओ कहाँ लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है बताओ? सर नहीं लग रहा। सर मे बी ऑल द साइड्स। ऑल द डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा सर इंटरलॉक हो चुका है तो। तो वही सोच रहे हो ना थोड़ा इंटरलॉक हुआ है अभी। फ्रिक्शन कब होता है थोड़ा दिमाग लगाओ। इंटरलॉक हुई है ये इंटरलॉक हो गया है। अगर मान लो ये वाला जो मेरी उंगली है राइट राइट हैंड वाली उंगली है अगर वो ऊपर जाना चाहेगा तब भी फ्रिक्शन लगेगा ना तब वो बोलेगा कि भाई मत जा। जब ये दोनों आराम से बैठे हुए हैं तब तो कुछ नहीं हो रहा होगा तब एक दूसरे पे फोर्स थोड़ी लगाएंगे तब तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ रहा है? यस। इनिशियली जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में है और कुछ भी नहीं हो रहा है उसके अलावा तो ये क्या होगा इंटरलॉकिंग अच्छी तरह से हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ये इंटरलॉकिंग एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रही है। समझ में आ रहा है? ओके ये इंटरलॉकिंग एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रही है। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? तो अभी इस कंडीशन में जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम? वीडियो बेटा सब ऑन रखो। चलो अब मान लो इसको मैं मूव करना चाहता हूँ क्या करना चाहते हैं हम लोग इसको मूव करना चाह रहे हैं। अगर मान लो इसको मुझे मूव करना है तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? फोर्स। यस बोलो अश्विन। सर ये फिर से बता फ्रिक्शन 0 न्यूटन क्यों आया? फ्रिक्शन 0 न्यूटन क्यों आया? बिकॉज़ अभी जस्ट इंटरलॉक हो रहा है। ओके फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन बेसिकली ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है अगर ये इंटरलॉकिंग एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी तब फ्रिक्शन लगता है। आ रहा है समझ में? नहीं बेटा नहीं वो मैं पढ़ाता हूँ सुनो ध्यान से एक एक करके सुनते हैं। पहली बात ऑब्जेक्ट सिर्फ इंटरलॉकिंग हो चुकी है इंटरलॉकिंग हुई है अब फ्रिक्शन लगना स्टार्ट नहीं हुआ सिर्फ इंटरलॉकिंग हुई है। फ्रिक्शन लगना स्टार्ट कब होता है? तो फ्रिक्शन लगना स्टार्ट तब होता है जब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को कहीं जाना है ये बोलेगा कि मुझे आगे जाना है। अब नीचे वाली सरफेस क्या करेगी? अब नीचे वाली सरफेस क्या करेगी? सर दोनों के जो अपोज करेगी उसको। समझ में आया? मतलब ऊपर वाली सरफेस बोल रही है मुझे आगे जाना है
नीचे वाली सरफेस बोल रही है हमारा इंटरलॉकिंग हो गया अच्छी तरह से, तुम मत जाओ, तो वो पीछे फोर्स लगाएगी। आया समझ में ये? इंटरलॉकिंग के ऊपर फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन। यस यस, आ गया समझ में। ये गियर जैसा, तुमने गियर तो देखा ही होगा। हाँ, गियर देखा ना साइकिल में, गियर और चेन का कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या हो रहा है, अभी साइकिल जब तक नहीं चल रही तब तक कुछ नहीं है। जैसे तुमने साइकिल देखी होगी, पीछे वाला जो गियर होता है उसके ऊपर चेन लगी होती है। जब मान लो साइकिल खड़ी है तो क्या गियर और चेन एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं क्या? नहीं लगा रहे, नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे, पर हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं लगा रहे। अब किसी ने पैडल लगाया तो क्या होगा, चेन बोलेगी मुझे कोई आगे बुला रहा है, तो चेन आगे जाना चाहेगी और उसी के साथ साथ जो गियर है उसको भी कहां ले जाएगी, आगे की तरफ रोटेट करेगी। आ रहा है समझ में? तो ये कुछ वैसा ही है, सिर्फ इंटरलॉक हो चुकी है पर फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन कब लगना चालू होगा, जब ऊपर वाला मूव करने की ट्राई करेगा। क्या करेगा बेटा ऊपर वाला, क्या करेगा, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मूव होने का ट्राई करेगा। मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, मूव होने का ट्राई कर रहा है, तब फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ गया सर? एक बार गुड आउट। हाँ बोलो। इंटरलॉकिंग क्या है? इंटरलॉक ये है बेटा, इंटरलॉक मतलब अगर मैं इस चीज को जूम करके दिखाऊं तुमको, तो इंटरलॉक का मतलब ऊपर वाली जो रफ सरफेस है और नीचे वाली जो रफ सरफेस है वो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक गई है, इसको हम इंटरलॉकिंग का, इररेगुलरिटीज का इंटरलॉकिंग कहते हैं। समझ में आया? जब ऐसा इंटरलॉक हो चुका है तो ऊपर वाली सरफेस नीचे फोर्स लगाएगी, नीचे वाली सरफेस इसको ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसको हम क्या बोलते थे, नॉर्मल फोर्स। ये तो लग ही रहा है अभी भी। Yes. आया समझ में? बट कॉन्टेक्ट सॉरी जब हाँ बट फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब ऊपर वाली सरफेस बोलेगी मैं आगे जा रहा हूं, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे अंदर अंदर, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। समझ में आया? कोई डाउट? नो। चलो नो। तो अभी जब कांटेक्ट में सिर्फ आए हैं तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन जीरो लगाया। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? वीडियो बेटा ऑन रखो, बहुत लोगों ने वापस ऑफ कर दिया। वीडियो प्लीज ऑन रखो। सक्षम वीडियो ऑन रख भाई। श्रीनिवास, स्मिथ, सुजनम, कृष्णा, वीडियो ऑन। श्रेय, चलो अब एक बात बताओ, इसके बाद सोचते हैं कि भाई इसको मूव करना है मुझे, इसको पक्का मूव करना है, तो ये जो इंटरलॉकिंग हो चुकी है उसको ब्रेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर, ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आगे जा पाएगा वो। इंटरलॉक होते होते ये ऐसा है, मैं बोलूं भाई इसको आगे ले जाओ, तो इसके साथ कांटेक्ट में से छूटना तो पड़ेगा, उसके बिना तो आगे नहीं जा सकता वो। या तो दोनों साथ में मूव करे तब जा सकता है, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें से छूटना पड़ेगा। मतलब इंटरलॉकिंग क्या हो रही है, ब्रेक होने वाली है। कोई डाउट? ओके, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये इंटरलॉकिंग ब्रेक होने में कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ब्रेक होगी। छोटा सा फोर्स लगा दे और ब्रेक हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आ रहा है समझ में? तो मान लो हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, वेट अ मिनट, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सो अभी जस्ट इमेजिन करो, लेट्स अज्यूम दैट टू ब्रेक इंटरलॉकिंग, टू ब्रेक 50 न्यूटन फोर्स, कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? नो सर। ये समझ में आया जो मैंने नीचे लिखा? मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए मुझे कितना फोर्स जरूरी है, इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे चाहिए फोर्स 50 न्यूटन। 50 न्यूटन में फोर्स लगा दूंगा तब क्या होगा, तब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी और yes. आगे मूव होना स्टार्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम? चलो मैंने फोर्स लगाया, ध्यान से सुनना, मैंने फोर्स लगाया इस पे, लेट्स से 10 न्यूटन, मैंने आगे कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? लगेगा तो कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का,
40 कौन से डायरेक्शन में बताओ. चलो फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कहाँ लगेगा, जैसे इस ऑब्जेक्ट के वापस मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, आगे इस पे 10 न्यूटन लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में और कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन लगेगा. अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगेगा. आया समझ में ये या नहीं आया? आया सर. सबको आया या सबको नहीं आया? अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन ही लगेगा ना. क्यों? हाँ नहीं आया समझ में. फोर्स बैलेंस होती है. बिकॉज़ ये रहने क्या वाला है, ये रेस्ट पे रहने वाला, ये तो पक्का है ना, क्योंकि मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ. ये मूव तभी हो सकता है जब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो. इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए 50 न्यूटन फोर्स चाहिए, पर मैंने 10 लगाया. अगर ये 10 आगे की तरफ लग रहा है फोर्स, तो पीछे की तरफ भी उतना ही लगना चाहिए, तभी वो रेस्ट पे रह सकता है. तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन. कोई डाउट? नो सर. तो अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन. मान लो मैंने थोड़ा और जोर लगाया, अब मैं 10 न्यूटन की जगह पे अब मैं इस खींच को खींच रहा हूँ विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन. बताओ क्या होगा? सर ऑब्जेक्ट 25 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग जाएगा? 25 न्यूटन लग जाएगा. ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट पे है? रेस्ट पे है. तो देखो पहले केस में जब ये ऑब्जेक्ट अकेले बैठा हुआ था, सिर्फ इंटरलॉकिंग करके बैठा हुआ था, मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तब फ्रिक्शन कितना लग रहा था? जीरो. रेस्ट पे था, फ्रिक्शन जीरो था. जब मैंने कुछ फोर्स लगाना चालू किया, अभी भी रेस्ट पे है, पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? पहले 10 थी, मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया, अब 25 हो गई. आया ना? तो जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. समझ में आ गया? जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. समझ में आ गया सबको? ओके, लिख लो डेफिनेशन जो ऊपर लिखी है. द फ्रिक्शन फोर्स विच एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर एंड टेंड्स टू मूव. टेंड्स टू मूव का मतलब वो मूव होने का ट्राई कर रहा है, मूव नहीं हो रहा है. राइट? जैसे मैंने 25 न्यूटन फोर्स लगाया, इसका मतलब वो आगे जाने का ट्राई तो कर रहा है, पर आगे जा नहीं रहा है. तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. समझ में आ गया? लिख लो फटाफट इतना. हाँ बोलो. हम ऐसा बोल सकते हैं कि द फोर्स व्हिच इज नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन. नहीं 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 नहीं, वो तो हम लोग लगा रहे हैं ना, वो थोड़ी फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखने वाले हैं ना हम तो अभी. तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन में ऐसा थोड़ी लिखेंगे द फोर्स व्हिच इज नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन. समझ में आया शिवम? ओके, लिख लो जल्दी से. द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर एंड टेंड्स टू मूव. जब तक रेस्ट पे है और मूव करने का ट्राई कर रहा है, मूव करने का ट्राई नहीं करेगा तो फ्रिक्शन जीरो लगेगा, पर मूव करने का ट्राई कर रहा है तो अब फ्रिक्शन लगेगा, और उस फ्रिक्शन को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. आ गया समझ में? इंटरलॉकिंग तोड़ने से पहले जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम स्टैटिक कहेंगे, ऐसा कहेंगे. तुम ये पूछ रही हो कुछ और पूछ रही हो? इंटरलॉकिंग से हमेशा कम ही रहेगा ना, मतलब इंटरलॉकिंग जो तोड़ने के लिए जो फोर्स होगा उससे हमेशा कम ही रहेगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन? नहीं नहीं, वो डिस्कस करते हैं. ओके, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. इतना लिख लिया सबने? हाँ सर. सर हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए होता है सर. जब तक इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं हो रही है और ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पे है, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके सर. इसका मतलब कि कोई भी रफ सरफेस होगा उस पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा, वो डिस्कस करेंगे. कांस्टेंट तो होगा ही नहीं ना बेटा. देखो पहले जीरो था, बाद में 10 हो गया, फिर 25 भी हुआ. कांस्टेंट कहाँ है बेटा?
नहीं मतलब कि टोटल फोर्स चाहिए इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, वो कर रहे डिस्कस। चलो यहां तक और कोई डाउट है तो पूछो। सर अगर 25 न्यूटन होगा तो उसमें टोटल फोर्स 0 न्यूटन ही डाला हुआ है। टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो लगेगा ना, 25 मैंने लगाया, 25 पीछे की तरफ फ्रिक्शन ने लगाया, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। फ्रिक्शन 25 न्यूटन होगा। फ्रिक्शन 25, यस फ्रिक्शन इज 25। आया समझ में? हां बोलो। अगर आप लोग 50 का लगाएंगे जितना इंटरलॉक वो लगाते रुक जाओ तो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में लगाते रुक जाओ। अब मान लो मैंने 40 का लगाया, क्या होगा बताओ? 40 का लगाएगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। हाँ या ना? मतलब yes, हो क्या रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या कोई वैल्यू है? क्या फिक्स वैल्यू? क्या कोई स्टैटिक फ्रिक्शन की फिक्स वैल्यू है? हाँ या ना? नहीं सर। राइट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा है भाई ये? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब अपने हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कोई डाउट यहां तक? आया समझ में? ओके, बड़े आगे। अच्छा ये चीज लिख लो, एक काम कर लो, ये मैंने आगे लिखवाया होगा एट्स वालों को भी। इतना हटा दूं, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर कर लूं स्क्रीन? यस सर। एक मिनट। चलो एक मिनट। स्टैटिक फ्रिक्शन में यहां तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे सोचते हैं, उसके बाद फिर नोट्स लिख लेंगे। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा हो गया है। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सर स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और ये फोर्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। हाँ, जब 50 वाला अभी डिस्कस करना बाकी है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट, कि ये भाई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हम इस पर कोई फोर्स लगा रहे थे। मान लो मैंने फोर्स लगाया 49 न्यूटन। कितना लगाया भाई? 49। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस पे? 49। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 49 इन अपोजिट डायरेक्शन। राइट, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा 49। अभी भी जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ओके बड़े आगे। मान लो मैंने अब इस पे 50 लगा दिया, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक लग सकता है? फ्रिक्शन हमने देखा मैक्सिमम 50 लग सकता है। तो अभी भी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। अभी भी ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे ही होगा, बिकॉज इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए मुझे 50 चाहिए था। इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए 50 चाहिए था, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इंटरलॉकिंग ब्रेक जस्ट हुई होगी, ऐसा बोल सकते, बिकॉज मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाया। अब मैंने इस फोर्स को बढ़ा के 50.5 ही कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 50 लग पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ही ब्रेक होने लगी। आया समझ में? तो अब क्या होगा? अब इस पे नेट फोर्स लगेगा 0.5 न्यूटन। हाँ या ना? ये टोटल नेट फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से वो मूव करना चालू हो जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एफ अपॉन सॉरी मास, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से। अब ये ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.5 जो फोर्स लग रहा है वो, डिवाइडेड बाय उसका जो भी मास हो, वो इतने एक्सेलरेशन से मूव करना चालू करेगा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। मतलब जितना भी फोर्स लगा रहे 50 से ज्यादा का, फ्रिक्शन तो 50 रहेगा। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ 50 लगेगा और ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में? सो जब तक मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाया था, तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही मैंने थोड़ा बड़ा फोर्स लगाया, 50.1 न्यूटन भी फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट अब मूव करना चालू हो जाएगा। और अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसको मैं क्या कहूंगा?
स्लाइडिंग या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन. समझ में आ गया? यस सर. गुड आउट. नो स्लाइडिंग या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन. समझ में आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? यस सर. अब मेन बात करते हैं इस 50 न्यूटन के ऊपर. मैंने बताया, जस्ट एग्जांपल लिया कि इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए, 50 न्यूटन. इसको मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकता हूँ इसको. चलो तो नोट्स में लिख लो, नोट करके लिख लो ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टार्टिंग फ्रिक्शन का मतलब इतना मैक्सिमम फोर्स लगेगा तब जाके ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होगा. तो जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टार्टिंग फ्रिक्शन. लिख लिया. ये यस सर. ओके बड़े आगे हटा दो इसको. यस सर. ओके लिख लो. क्या तुम लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन का भी कुछ डिटेल में नोट्स चाहिए? तो मैं वो स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ. सर समझ में आ गया. समझ में तो आ गया पर नहीं लिखो. स्टार्टिंग क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो लास्ट लाइन में आपने गलती से स्टार्टिंग फ्रिक्शन लिख दिया. हाँ वो स्टार्टिंग ही लिखा है. स्टार्टिंग सही है, नाम सही लिखा है. वो उसको स्टार्ट करने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ना, उस मैक्सिमम फोर्स को स्टार्टिंग फ्रिक्शन कहेंगे. तो जो मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इज नोन एज स्टार्टिंग फ्रिक्शन. आया? यस सर. ओके अब ये मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, इस पे मैंने 50 न्यूटन तो ऐसे ही लिख लिया था, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 50 ना भी हो. आया ना? राइट. सो लिखो मैक्सिमम वैल्यू. समझ नहीं आया, वापस से एक बार आप रिपीट करो ना. क्या चीज? अभी जो आपने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो समझ में आ गया ना? हाँ सर वो समझ आ गया. ओके ओके हाँ तो मैं लिखवा रहा हूँ, देख लो. मैक्सिमम वैल्यू of static friction depends on nature of interlocking and normal force acting on the object. Okay, maximum value जो है, जो हम लोग static friction की बात कर रहे थे, तो static friction मैंने example के लिए क्या बोला, मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि ये जो दो सर्फेसिस थी इनके बीच का जो इंटरलॉकिंग हो गया था उसको ब्रेक करने के लिए 50 न्यूटन चाहिए. ऐसा मैंने बोला था तुम लोगों को. ओके और इसी 50 न्यूटन को मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकता हूँ, कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू है जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है. यस सर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं इसी फोर्स को. तो इसकी ये जो 50 न्यूटन वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी? तो ये डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ इंटरलॉकिंग कैसी है. क्या बहुत ही रफ सरफेसेस है, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ये हो सकता है. समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस सर. चलो अब एक सिंपल मेरे को बताओ कि एक तो एक चीज डिपेंड किस पे करेगी. पहली चीज लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड किया? नेचर ऑफ इंटरलॉकिंग पे. तो मान लो यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी रफनेस के हिसाब से उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ अलग होगी. अब मान लो इसी के ऊपर मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस दूसरे ऑब्जेक्ट के आने से क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जब दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने रखा तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसको बढ़ा दिया. नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसको बढ़ा दिया, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी फ्रिक्शन जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसकी. ओके तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. कोई डाउट? Okay, no, तो अब मान लो कि इसके लिए पहले 50 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन था जब अकेला था तब 50 न्यूटन था. जब ये ऊपर वाला भी आ गया तो हो सकता है मान लो 70 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू हो गई फ्रिक्शन फोर्स की, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसके आने पे. ओके सो बेसिकली अब मैं ऐसा बोल सकता हूं
ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दो चीज पर डिपेंड करेगी. कौन कौन सी दो चीज? एक तो नेचर ऑफ इंटरलॉकिंग पे, दूसरा नॉर्मल फोर्स पे. नॉर्मल फोर्स मतलब वही जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था. जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा. तो दोनों सरफेस जो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं वही तो फ्रिक्शन फोर्स को या फिर इंटरलॉकिंग को स्ट्रेंथ देता है. हाँ या ना? यस सर. यस सर. समझ में आया? यस सर. ओके, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ इंटरलॉकिंग पे और नॉर्मल फोर्स पे. समझ में आ गया? मास पे नहीं, मास पे नहीं, वेट पे भी नहीं, किस पे? नॉर्मल फोर्स पे. ओके, सो हम लोग लिखेंगे एफ मैक्स. मैक्सिमम वैल्यू की बात चल रही है. एफ मैक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, राइट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा, मतलब इक्वल टू कर देते हैं प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, उसको हम कहते हैं म्यू. एफ मैक्स की वैल्यू होती है म्यू इनटू एन. म्यू क्या है? तो म्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कहेंगे बेटा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो म्यू की जगह पे ज्यादा बेटर वर्ड होगा म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. आया समझ में ये? यस सर. म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, मतलब बेसिकली ये डिपेंड किस पे करेगा? ये म्यू जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा? नेचर ऑफ इंटरलॉकिंग पे. जिसमें इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा होगी उसका म्यू बहुत ज्यादा होगा, जिसमें इंटरलॉकिंग बहुत कम होगी उसका म्यू कम होगा. तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू की डिपेंडेंसी जो दो चीजों पे थी, तो दोनों टर्म एक एक चीज को दिखा रहा है. एक तो नेचर ऑफ इंटरलॉकिंग को दिखा रहा है म्यू, नॉर्मल फोर्स मतलब एन. आ गया समझ में यहाँ तक? यस यस. चलो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात की हमने. मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होगी. म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है. उसकी वैल्यू कोई भी दो कॉन्टेक्ट सर्फेस के लिए अलग अलग हो जाएगी, राइट? बिकॉज वो नेचर ऑफ इंटरलॉकिंग पर डिपेंडेंट है. अब मैं बात करता हूँ एक ग्राफ से. यहाँ तक समझ में आया ना? कोई डाउट नहीं? यस सर. नो सर. चलो अब ये ग्राफ बनाते हैं. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स. क्या लिख रहा हूँ बेटा? अप्लाइड फोर्स मतलब मैंने कितना फोर्स लगाया. और y एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स की कितनी वैल्यू आ रही है वो. तो जब बेटा मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया था तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी? जब इस ऑब्जेक्ट को जीरो आ रही थी ना, जब मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो सिर्फ इंटरलॉकिंग हो गई थी, पर फ्रिक्शन तो कुछ नहीं लग रहा था. तो इस ग्राफ का पहला पॉइंट क्या आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा 0,0, राइट? फिर मान लो मैंने इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा? 1 न्यूटन. मैंने 2 लगाया, फ्रिक्शन भी 2. मैंने 3 लगाया, फ्रिक्शन भी 3. मैंने 10 लगाया, फ्रिक्शन भी 10. मतलब सबसे जो आगे वाले पॉइंट्स आएंगे वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएंगे 45 डिग्री पे. यस सर. हाँ या ना? हाँ सर. जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा. ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये? जब तक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के इक्वल ना हो जाए. तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी होती है? म्यू इनटू एन. तो जब तक म्यू एन जब तक नहीं रीच हो जाए इस तरफ भी और इस तरफ भी, अप्लाइड फोर्स जब तक म्यू एन से ज्यादा ना हो तब तक फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इक्वल रहेगी. समझ में आ रहा है? यस. मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी इधर 5 न्यूटन होगा, राइट? उसके बाद क्या होगा? म्यू एन से ज्यादा फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन तो कितना लगेगा? उतना ही लगेगा. अरे नहीं आ रहा है तो पूछना है बेटा, चुपचाप बैठे हो तो मुझे कुछ आ नहीं रहा है और मैं और स्लो हो जाऊंगा. तो अगर आ रहा है तो सब लोग बोलेंगे आ रहा है तो थोड़ा फास्ट करेंगे. अगर कोई नहीं बोल रहा है और तुम लोगों को ऐसा लगा सर ये तो बहुत ही पप्पू चीज है क्या पढ़ा रहे हो कब से, तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा तो मैं थोड़ा फास्ट भगाऊंगा. नहीं सर, सही जा रहा है. समझ में आया?
हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया? यस ये सर, फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, ब्लू लाइन। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव करना चालू हो गया, कौन सा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब अब मैं कितना भी फोर्स लगा दूं, मैं कितना भी फोर्स लगा दूं, तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी, म्यू इंटू एन जितनी। समझ में आया? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ कर लो। चलो बढ़े आगे, ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अब आगे हेडिंग डाल देना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा एक काम करना, ये पेंसिल से अगर ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने बनाई ना, उसको थोड़ी सी, बहुत ही मतलब ड्रॉ मत करो, चलेगा? ब्लैक वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए ड्रॉ मत करो, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्यों नहीं करना है। ओके, बाकी सब लिख लो। लिख लिया? यस सर, हो गया, हो गया सबका। आगे बढ़े, चलो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? द फ्रिक्शन फोर्स acting when one object moves relative to another. कोई डाउट? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे के ऑब्जेक्ट में रिलेशन में मूव करेगा। कोई डाउट? ओके, अब एक बात बताओ, लॉजिकली एक चीज सोचो कि जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो होगा क्या? मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली जो इंटरलॉकिंग है वो नई नई बनती रहेगी और पुरानी पुरानी ब्रेक होती रहेगी। जब स्लाइड कर रहा है तो यही होगा, समझ में आ रहा है? नई इंटरलॉकिंग क्रिएट होगी, पुरानी इंटरलॉकिंग ब्रेक होती जाएगी। ओके, और जब नई इंटरलॉकिंग क्रिएट हो रही है, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो क्या इंटरलॉकिंग को अच्छी तरह से टाइम मिलेगा क्या इंटरलॉक होने का? क्या ये जो इररेगुलरिटी थी वो अच्छी तरह से इंटरलॉक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं सर। नो सर। तुम्हारा ये ऐसा हो रहा है बेटा, जैसे तुम मान लो एक स्टेयर्स पे, स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हो, तुम्हारा पैर फिसलेगा, क्या होगा? सर बॉटम कुत्ते 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 पूरा नीचे चले जाओगे। यस सर। क्यों? बिकॉज तुम एक बार मोशन में आ गए, जैसे ही तुम मोशन में आ गए, नीचे वाली सरफेस और तुम जो हो वो एक अच्छी तरह से इंटरलॉकिंग नहीं हो रहा है, ग्रिप नहीं आ रही, जिसकी वजह से तुम पूरा नीचे जाओगे और सबसे ज्यादा तब लगेगी। हाँ या ना? यस सर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नो सर। ओके, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तब होता क्या है? ऑलरेडी मोशन में है तो इंटरलॉकिंग को अच्छी तरह से स्ट्रेंथ बनाने में टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलेगा तो होगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। आया ना? Yes, समझ में आया नहीं आया? जब ये ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से खड़ा हुआ था तो आराम से इंटरलॉकिंग करके बैठा था, पर जैसे ये मूव करने लगा आगे आगे तो इंटरलॉकिंग होने में उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इंटरलॉकिंग की वीक मतलब इंटरलॉकिंग की स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम होगी। इंटरलॉकिंग की स्ट्रेंथ कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, राइट? तो होता क्या है, अब जो हमारा ये ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा? स्लाइडिंग जब हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए, जितना स्टैटिक पे था मैक्सिमम जो 50 था, अब 50 नहीं होगा। अब क्या होगा? जब मूव करने लगेगा तो 50 से कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जब वो स्लाइड कर रहा है तब। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 50 है, पर जैसे ही वो स्लाइड करने लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन के थोड़ा सा कम फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग में लगेगा, हो सकता है कि मान लो 49, कुछ भी हो सकता है, कोई डाउट? पर कम लगेगा, इतना बेसिकली समझना है। समझ में आया? फिर से बताओ ना, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन,
जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स हमने लगा दिया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो इंटरलॉकिंग को अच्छी तरह से टाइम नहीं मिल रहा है। सर हाँ बोलो। मतलब जैसे 50 न्यूटन तो मान लो हम मान लो लगा ही रहे थे, लगा ही रहे थे, बाद 50 न्यूटन के बाद वो मूव करने लगा तो 50 न्यूटन एग्जैक्टली अच्छी, क्योंकि नए इंटरलॉकिंग करने का चांस नहीं मिल रहा ना, मतलब एस्टैब्लिश करने का पहले वाली। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि फ्रिक्शन लगेगा पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगी। पहले क्या हो रहा था, ये अच्छी तरह से अंदर बैठ रहा था ऐसे, ओके। जब अब मूव कर रहा है तो ऐसे बैठ के टूटना ही पड़ेगा, आगे आगे जाना ही पड़ेगा कंटिन्यूअसली। यस सर। तो हुआ क्या, अच्छी तरह से टाइम नहीं मिला इंटरलॉक होने का, ऊपर ऊपर से इंटरलॉक होके चले गए, तब तक तो ऑब्जेक्ट आगे मूव कर गया तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पर स्ट्रेंथ नहीं बन रही इंटरलॉकिंग में। इंटरलॉकिंग में स्ट्रेंथ नहीं बन रही तो होगा क्या, इंटरलॉक अच्छी तरह से नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है उससे कम फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया? इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, बहुत डिफरेंस नहीं होगा पर थोड़ा सा कम होगा। आ गया समझ में? ओके यस सर। चलो दूसरी चीज, जब तक रेस्ट पे होगा, अच्छा तुम लोगों ने ये भी दिखा होगा कि मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, इनिशियली तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है पैडल पे, एक बार मूव हो गई, एक बार मोशन में आ गई, फिर अपने आप ज्यादा पैडल लगाने की जरूरत नहीं है, फोर्स इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसका भी सेम लॉजिक है कि पहले जो इंटरलॉकिंग हो चुकी थी उसको ब्रेक करने में तुम्हें टाइम लगा, उसको ब्रेक करने में ज्यादा फोर्स लगाया, उसके बाद एक बार मूव करने लगी तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगा। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया? यस सर। ओके चलो अब स्लाइडिंग के लिए फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स एफ के लिख लेता हूँ, के क्यों इसलिए बेटा क्योंकि स्लाइडिंग को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो एफ के जो होता है वो हो जाएगा म्यू के इनटू एन। म्यू के मतलब वेयर म्यू के इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ऑब्वियस सी बात क्या है, म्यू के और म्यू एफ, सॉरी म्यू के और म्यू एस में बड़ा कौन होगा, म्यू एस, म्यू एस बड़ा होगा म्यू के से। समझ में आ गया ये? यस। ओके चलो यहां तक कोई डाउट? ओके अच्छा एक और चीज बेटा, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा होगा, कभी कभी दे रखा होगा कि म्यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो कभी कभी क्या क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकली म्यू के और म्यू एस में डिफरेंस आएगा ही आएगा पर न्यूमेरिकल्स में कभी कभी एक ही कोफिशिएंट दे रखा है, चल सकते हो जब रेस्टन और मोशन में तभी उतना। हाँ बोलो। हाँ सर बीच में लैग। अब आ रही है, अब क्लियर है? कहाँ तक थी म्यू के समझ में आ गया था? आपने कहा था कि म्यू है सब म्यू के बोला, वो समझ में आ गया? हाँ एग्जाम में नहीं बेटा, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी न्यूमेरिकल में तुम्हें एक ही कोफिशिएंट दे रखा है, तो अगर एक ही दे रखा है जब तक मेंशन नहीं किया है तब तक तुम म्यू के और म्यू एस को इक्वल मान के चल सकते हो। समझ में आया? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो अगर एक दे रखा है मेंशन कुछ भी नहीं किया है तो दोनों सेम मान के चल सकते हो, बट जब मेंशन किया है तो याद रखना स्टैटिक के लिए म्यू एस यूज करना है, काइनेटिक के लिए म्यू के यूज करना है फॉर्मूला में। ओके यस चलो लिख लिया यहां तक? यस बटा हटा दो इसको। चलो ये वाला लिख लो कि स्टैटिक और स्लाइडिंग में बड़ा कौन है और क्यों होता है, जो भी डिस्कस किया हमने वो लिख लो। ये द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन ईच अदर इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यस डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं इसको। ओके काइनेटिक भी है, डायनेमिक भी है, स्लाइडिंग भी है, तीनों नाम सेम ही है। उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, एज इन स्लाइडिंग ऑफ फ्रिक्शन object is in motion and hence irregularities doesn't get enough time to interlock with each other,
and hence the strength of interlocking is weak in the case of sliding friction. Also, there are continuous new interlocking are forming and breaking. Sliding friction is less than static friction. यहाँ तक लिख लो. लिख लिया यहाँ तक. इसके बाद लास्ट पॉइंट तुम्हें लिखना है. फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो या तो लेस देन होगी या तो इक्वल होगी. किसके इक्वल? जब तक मोशन में नहीं है तब तक म्यू एस इंटू एन की इक्वल होगी. ओके और इसके अंदर लिख सकते हैं व्हेन अप्लाइड फोर्स जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इज लेस देन म्यू एस इंटू एन. जब तक अप्लाइड फोर्स म्यू एस इंटू एन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है उससे कम होता है तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स की इक्वल होगी. हाँ या ना? जो ग्राफ बनाया हमने उससे समझ में आया ये? ओके सो दैट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग. जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तब क्या हो जाएगा? तब फ्रिक्शन की वैल्यू एफ जो होगा वो हो जाएगा किसके इक्वल? म्यू के इंटू एन. ओके जब तक रेस्ट पे है तब तक ये कंडीशन लगेगी. कंडीशन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. जब तक अप्लाइड फोर्स कम है ओके जब तक अप्लाइड फोर्स म्यू एस अपॉन एन के इक्वल या फिर कम है तब तक फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी. और जब स्लाइड करना चालू कर देगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू के इंटू एन हो जाएगी. ओके आ रहा है सबको समझ में यहाँ तक? Yes, लिख लो फटाफट. ये लास्ट हम लोग करने वाले हैं. लिख लिया. एक सेकंड. लिख लिया. ओके लिख लो. सर आप आजकल में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड कर देना चैनल पे. ओके ओके हो गया. यस सर. सर एक मिनट. आज इवनिंग में कोई आने वाला है? अगर आने वाला है तो पहले से मुझे अभी इन्फॉर्म कर लो. यस सर. सर मैं आने वाला हूँ. ओके सर. ओके ओके हो सके तो 2:30 अभी फाइनल नहीं ऐसा कोई बात नहीं. 4 बजे आने वाला हूँ. 4 बजे से थोड़ा अगर मतलब फिजिक्स पढ़ने तो थोड़ा लेट आना. ओके मैं 4:30 से 7 तक मेरा क्लासेस है तो क्लास को लेते लेते तुम्हें पढ़ाना पड़. ओके सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस अब आ रही है. अब आ रही है. पहले नहीं आया. अच्छा मैं ऐसा बोल रहा था एग्जाम्पल 5.67 और 8. 5.678 एक मिनट कौन सा है? 5.78 और 9 ये ट्राई करना है. सर
एग्जांपल 5.7 8 और 9 हां बोलो सर तीन से साथ उधर ही बैठे रहे तो कोई प्रॉब्लम है चलेगा चलेगा बैठे रहो ना कौन मना कर रहा है सर हां मैं 7 बजे आऊंगी चलेगा ओके चलेगा सर आफ्टरनून में कब तक चलेगा सर 2:30 के बाद 2:30 से 4:30 के बीच में कभी भी आ जाओ चलेगा ओके 4:30 से 7 तक मेरी क्लासेस रहेगी तो क्लासेस के अंदर क्या होगा कि थोड़ा बहुत टाइम मुझे उन लोगों को भी देना पड़ेगा ओके okay, तो तुम तब तक सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगा बाद में तो या तो 2:30 से 4:30 में आओ या फिर 7:00 टू 8:30 में आ जाओ ओके सर ओके ओके चलो बाय 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 थैंक यू सर बाय बाय